जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें कि अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पर पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग इस पीडीएफ को स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग को नीचे देखने को मिलेगा साथियों, ये एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे हम आप लोग को टोटल जो है साथियों 200 क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। सुबह के टाइम में आप लोग का क्लास चलता है साइंस का, और शाम के टाइम में आप लोग का जीके जीएस का क्लास चलता है, और टोटल आप लोग के साथियों प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। आप लोग को बता दें साथियों, जो भी कैंडिडेट टोटल सेट नंबर 47 तक पहले के क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं, हम आप लोगों को इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग जाकर के उसे जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है साथियों। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 48 के पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन साथियों कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है साथियों? तो हम आप लोग को बता दें, सबसे पहले तो ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और किसे एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है? तो देखिए, उत्तल दर्पण को तो नहीं कहा जाता है भैया, ये तो आप लोग का कट जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा साथियों। अवतल दर्पण को ध्यान रखिएगा साथियों कि अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। किसे? अवतल दर्पण को अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, ध्यान रखिए साथियों। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है आप लोग का 2024 के एग्जाम के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है साथियों कि किसी गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है साथियों? एएलपी टेक्नीशियन के ये आप लोग का 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब इसका आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। देखिए तो हम बतला दें, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट वीडियो को वॉच करें, भैया एक कॉपी ले लीजिए और अपना आंसर एक साइड को नोट करिए और हमारे आंसर को एक साइड नोट करिए, और लास्ट में जरूर आप लोग मैच करके बताइएगा कि आप लोग का कितना जो है टोटल 20 में से सही हो पाता है। 10 सही हुआ तो 10 बताइए, 5 सही हुआ 5 बताइए, जितना सही हुआ उतना जरूर बताइएगा साथियों। आप लोग के कॉमेंट करने से हमें भी सपोर्ट मिलता है। अब लगता है कि चलिए भाई, हमारे कुछ छोटे भाई है जो हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग जरूर अपना इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। देखिए, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो आप लोग को बतला दे साथियों, यहाँ पर छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो गति है अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा में, निर्वात में, पानी में, या फिर कांच में साथियों? तो यहाँ पर हम आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए हवा में नहीं होता है, निर्वात में होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं हवा और निर्वात में, तो यहाँ पर आप लोग का निर्वात सही आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम ध्यान रखिएगा अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग फोर नंबर क्वेश्चन को। तो फोर नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहे हैं साथियों कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो बताइए कौन सा दर्पण होता है जो आप लोगों को हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है? वो कौन सी दर्पण है साथियों, आप लोग को बतलाना है। तो देखिए, यहाँ पर अवतल तो नहीं होगा, इसे ध्यान रखिए, समतलोत्तल भी नहीं होगा, यहाँ पर समतल हो जाएगा। ठीक है, समतल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करती है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी, समतल। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन के साथियों। आप लोग जिस प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, आप लोगों के लिए बता दें, जो भी कैंडिडेट को अगर डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है, बहुत सारे ऐसे छोटे भाई भी आते हैं जिसे डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम होता है कि भैया ये डिस्क्रिप्शन क्या है जहाँ पर आप सेट नंबर 47 तक का लिंक प्रोवाइड कराए हैं। तो आप लोगों को बता दें साथियों, अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम चल पा रहा है कि डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, तो कुछ भी नहीं करना है। जिस चैनल पर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, रंजीत ऑनलाइन स्टडी चैनल का नाम है, वहाँ पर आप लोग को जो है सिंपली आ जाना है। और आने के बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग को सेक्शन देखने को मिलेगा होम, वीडियो, शॉर्ट्स एंड प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को आ जाना है साथियों। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आते हैं, तो देखिए सबसे पहला वाला ही प्लेलिस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। इस पर आप लोग क्लिक करिएगा तो टोटल आप लोग का यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा जो अभी तक हम आप लोग के लिए उपलब्ध करा है। ये है आप लोग का विज्ञान का प्लेलिस्ट, ऐसे ही आप लोग को जीके जीएस का भी प्लेलिस्ट उपलब्ध कराया गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर वॉच करिएगा साथियों, आप लोगों के लिए बेस्ट ये जो है जितना भी हम क्लास कराए हैं साबित होगा, क्योंकि आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बार बार पूछता है साथियों। ठीक है, तो आइए देखा जाए हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि सबसे छोटी तरंग लंबाई
का प्रकाश जो है यह डैश होता है, बताइए हरा, लाल, बैगनी या फिर पीला, कैसा होता है हमारे छोटे भाइयों? सभी भाई को बतलाना है, टीसीएस पैटर्न पर आधारित यह क्वेश्चन है आप लोग का। और टीसीएस का हम आप लोग को क्वेश्चन इसलिए डालते हैं साथियों क्योंकि टीसीएस इस बार भी आप लोग की रेलवे की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, ठीक है। तो देखिए इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश जो है वो डैश होती है। तो देखिए हरा नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, बैगनी होगा, बैगनी होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश जो है वो बैगनी होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते देखे जाइए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को, तो कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है साथियों? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये आप लोग का क्वेश्चन है, बताइए कौन से रंग में, लाल, हरा, नीला या फिर बैंगनी हमारे छोटे भाइयों? तो देखिए आप लोग को बता दें सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये भी आप लोग का बैंगनी ही होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो ही सबसे अधिक होता है साथियों, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाए, बैंगनी। आगे बढ़े जाए देखा जाए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन साथियों, ये जो अभी हम कराते हैं ना टीसीएस पैटर्न वाला और एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पलर, ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ज्यादा बेस्ट साबित होंगे। ये सब क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई समझ के इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये सब आप लोगों के साथ बेस्ट क्लास रहता है, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए, तो इसको इस सब क्वेश्चन को जो है आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा है कि कांच में किस रंग का प्रकाश तीव्रतम गमन करता है, कांच में किस रंग का प्रकाश जो है तीव्रतम गमन करता है, बताइए साथियों, लाल, पीला, हरा या फिर बैगनी, यहाँ पर चलिए यहाँ आप लोग समझिएगा ये बैगनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप लोग यहाँ पर हम बतला दे साथियों, कांच में किस रंग का प्रकाश जो है तीव्रतम गमन करता है, तो लाल रंग का, कैसा भैया, लाल रंग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए देखा जाए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन साथियों, जिस प्रकार का अभी हम आप लोग को क्वेश्चन कवर करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और टीसीएस का, एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, ठीक इसी प्रकार का हम क्वेश्चन का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप लोग उस पीडीएफ को देखिएगा तो अब आप लोग कहिएगा कि भैया ये आप लोगों के लिए पीडीएफ बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है साथियों। देखिए इस पीडीएफ में आप लोग को हम ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं जैसे हम आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ठीक उसी पैटर्न पर नए नए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए इसमें कवर कराए हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पर के दौर पर आप लोग इसमें देख सकते हैं, देखिए एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, अब इसका आंसर आप लोग को मालूम है क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोगों के लिए आंसर भी नोट कर दिए हैं, देखिए क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जैसे मशरूम क्या है, क्वेश्चन हो गया चार आप लोग का, ऑप्शन हो गया पौधा, पशु, बैक्टीरिया या फिर कवक, तो आप लोग को इसका जैसे राइट आंसर बतलाना होगा तो बतला दे। बहुत सारे भाई यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं, मशरूम क्या है भैया, तो कवक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऐसे ही आप लोग के सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिसमें आप लोग को साथ ही 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जिसका मूल्य साथियों 1 and only 40 rupees आप लोग को पे करने होंगे, यानी कि अगर हम लोग बात कर ले साथियों तो 1 rupee में आप लोग को 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वो भी ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों के एकदम संभावना है कि आएगा ही आएगा। तो अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब में फॉर्म को फिलअप किए हैं, चाहे ग्रुप डी में करने वाले हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरपीएफ, चाहे एएलपी टेक्नीशियन, किसी में भी, तो आप लोग के लिए पीडीएफ बेस्ट साबित होने वाला है साथियों क्योंकि हम रेलवे के एग्जाम के हिसाब से आप लोग का ये पीडीएफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो आप लोग के लिए हम नंबर दे दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए 7870-14-12-38, ठीक है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आप लोग को ये पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग को 1 and only 40 rupees साथियों पे करने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे के प्रैक्टिस शीट को कवर करते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नंबर को क्योंकि ये आप लोग के लिए पीडीएफ बेस्ट साबित रहेगा साथियों। आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8 था ना शायद हम लोग का, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होगा, बतलाइए साथियों, एएलपी टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम आप लोग को बतला दें साथियों, विचलन घटता है और फिर अपरिवर्तनांक भी घटता है, हाँ यही तो होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आप लोग का सही आंसर दे दिया गया है, ठीक है, विचलन घटता है और फिर अपरिवर्तनांक भी घटता है साथियों, सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर बढ़ने पर विचलन घटता है और फिर अपरिवर्तनांक भी घटता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाए देखा जाए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को, तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियों
के अधिक अंतर होता है साथियों। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट क्वेश्चन है साथियों, ये VBA क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये आप लोग का ALP टेक्नीशियन में पूछा हुआ भी है, इसे ध्यान रखिए। और ये VBA क्यों है ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए ये बहुत सारे ऐसे रेलवे के अलावा और भी साइड में के कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कह रहा था कि सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों के फोकस दूरियां में से अधिक अंतर होता है। तो देखिए दूरदर्शक हो जाएगा, ठीक है, दूरदर्शक ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाए साथियों, देखा जाए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण है साथियों, बतलाइए। ALP टेक्नीशियन का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है, 2018 में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया था साथियों। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, देखिए प्रकाश का व्यक्तिकरण होगा क्या, नहीं, प्रकाश का विवर्तन नहीं, प्रकाश का ध्रुवण नहीं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथियों मृग मरीचिका का कारण क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों की सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हम लोग का कि अभी नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, बताइए दोस्त। ALP टेक्नीशियन का ये आप लोग का क्वेश्चन है रहने वाला है साथियों। देखिए सीधा तथा वास्तविक, सीधा तथा आभासी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगे। अभी नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किसी प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना रेटिना पर बनाया जाता है, तो भैया उल्टा तथा वास्तविक बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ALP टेक्नीशियन 2018 का ये भी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है, आवर्धक लेंस जो होता है वो वास्तव में क्या है साथियों, बताइए। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन रहने वाला है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग के लिए सिलेक्टेड ही हम इसीलिए लाते हैं। देखिए आवर्धक लेंस जो है यह वास्तव में क्या है, आप सभी भाई को जो है अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए, हम बतला दे रहे हैं। देखिए समतल अवतल लेंस तो कभी भी नहीं होगा, अवतल लेंस भी नहीं होगा भैया, उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है, तो सही आंसर उत्तल लेंस है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़े देखा जाए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है आंखों में वही काम कौन करता है, बताइए। कैमरे का जो काम जो है, कैमरा जो रहता है, कैमरे का काम डायफ्राम करता है आंखों में वही काम कौन करता है, आप सभी को बतलाना है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए हम आप लोग को बतला दें, काया भद्रव तो नहीं होगा, जलीय द्रव भी नहीं होगा, पुतली भी नहीं होगी, यहाँ पर कॉर्निया होगी, कौन सा होगा भैया, कॉर्निया। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है वो हम लोग के आंखों में वही काम कौन करता है, कॉर्निया करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े जाए देखा जाए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को। जो भी भाई अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे आग्रह है हमारे छोटे भाइयों, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम आप लोगों के लिए फ्री में बहुत ही जल्द मैथ रीजनिंग का भी क्लास जो है स्टार्ट कर पाए, और लाइव क्लासेस की भी सुविधा अभी हमारे पास नहीं हो पा रही है, तो आप लोग से निवेदन करेंगे प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए ताकि लाइव क्लासेस का भी जो सुविधा है वो हमारे पास हो पाए, और आप लोगों के लिए हम बहुत ही जल्द अपने चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस भी फ्री में उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दे साथियों। तो देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा था कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी भाई अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, रोजाना सुबह के टाइम में साइंस का प्रैक्टिस सेट एंड शाम के टाइम में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करने के लिए। देखिए कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो आप लोग को यहाँ पर बता दें साथियों उत्तल लेंस का ही होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस TCS पैटर्न का ही आप लोग का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ जाए देखा जाए हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर जो क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है साथियों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है कौन सा होगा, आप सभी को बतलाना है। तो देखिए विकट दृष्टि दोष होगा क्या, नहीं, दूर दृष्टि दोष होगा, कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है, दूर दृष्टि दोष है, ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन है और इस बार का VBA क्वेश्चन भी रहने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे, दूरदृष्टि दोष। आगे बढ़ा जाए देखा जाए हम लोग इसमें कौन से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 को कह रहा है कि नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है, तो किसकी ओर ले जाती है हम लोगों को ये बतलाना है। तो सबसे पहले तो ये आप लोग का जो है TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान रखिए। उसके साथ साथ नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता जो है
वो किसकी ओर ले जाती है? तो देखिए, दूरदृष्टि दोष नहीं, वर्णाधरा नहीं, मोतियाबिंद की तरफ ले जाती है क्या? नहीं, निकट दृष्टि दोष की तरफ ले जाती है, ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेत्र लेंस की जो अत्यधिक वक्रता जो है वो किसकी ओर हम लोग को ले जाती है? तो निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग के यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि डैश प्रकाश के अपरिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, डैश प्रकाश के अपरिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है। तो बतलाना है साथियों, एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है ये आप लोग का 2017 का, ठीक है। तो इसका आप लोगों को सभी भाइयों को राइट आंसर जो है अपना अपना नोट कर लीजिए, हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। देखिए, तारों के जगमगाहट का प्रभाव होगा क्या? डैश प्रकाश के अपरिवर्तन का एक उदाहरण नहीं पूछ रहा है साथियों, नहीं है। तो ये तो भैया है, ठीक है, मृत त्रिशा ये भी है, पश्चर वियुक्त क्रमण ये होगा, ये आप लोग का नहीं है, ठीक है। देखिए, डैश प्रकाश के अपरिवर्तक का एक उदाहरण नहीं है, पश्चर वियुक्त क्रमण एक माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का झुकाव। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं है, ठीक है, ये भी भैया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ही आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पश्चर वियुक्त क्रमण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन को। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, ध्यान रखिएगा साथियों क्या कह रहा है हम लोग का यहाँ पर, नहीं देख सकता है। सबसे पहले नहीं पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लिया जाए। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप लोग का क्या कहा जाता है साथियों? हाइपर मेट्रोपिया नहीं, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, मायोपिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मायोपिया कहा जाता है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म जो है यह क्या करता है साथियों? TCS का ये भी आप लोग का क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आप लोग का रहने वाला है इस बार भी, ठीक है। प्रिज्म क्या करता है? सभी भाई को इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, प्रकाश की प्रतिबिंबित करता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होगा। यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है क्या? नहीं। यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है क्या? नहीं। यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रिज्म क्या है भैया? प्रिज्म क्या है? तो फिर से पढ़ लीजिए, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित करता है, इसे प्रिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, अब आज का हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है साथियों कि कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? कॉन्टेक्ट लेंस जो होते हैं वो सामान्य रूप से किससे बनते हैं, बतलाइए। ये आप लोग का ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। टेफ्लॉन से बनते हैं क्या? कभी भी नहीं होगा भैया टेफ्लॉन से। कॉन्टेक्ट लेंस जो है सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफ्लॉन से तो कभी नहीं होगा। हाइड्रोजेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाइड्रोजेल से आप लोग का कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसके साथ हम लोग आज कवर किए सेट नंबर 48 साथियों, ठीक ऐसे ही हम कल कवर करेंगे सेट नंबर 49 को। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, एंड जितने भी भाई अभी तक सेट लगाएं अपना कमेंट में जरूर आंसर बताइए कि आप लोग का कितना जो है सही हुआ है साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम के टाइम में GKGS के क्लास में, या फिर आप लोग को हम नए नए जॉब्स का अपडेट भी देते हैं साथियों। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर देखना चाहेंगे तो हम आप लोग को एक बहुत ही बेस्ट चीज़ दिखलाना चाहेंगे साथियों। देखिए, आप लोग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं, बस एक मिनट का टाइम दीजिए और हम आप लोग को देखिए यहाँ पर क्या दिखलाना चाहते हैं साथियों। देखिए, आप लोगों को कल हमें बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है। देखिए, ये आप लोगों का वीडियो के सेक्शन में आप लोग आते हैं ना, तो देखिए आप लोगों को हम नए नए जॉब्स का अपडेट भी देते हैं। देखिए, यहाँ पर बिहार में जो बिजली बोर्ड की जो भर्ती है BSPHCL वाली, BSPHCL उसकी जो भर्ती है उसको लेकर के बहुत ही एक बड़ा अपडेट मिला है साथियों। वो भी आप लोग का 15 जून से अप्लाई होने वाला है। अभी झारखंड पुलिस वाला भी हम अभी कुछ देर में ही आप लोग को अपडेट देने वाले हैं, वो भी आप लोग का जून से ही फॉर्म अप्लाई, जो फिजिकल डेट है वो आप लोग का जून में ही होने वाला है, ठीक है, फिजिकल। तो वो भी आप लोग का क्लियर मेंशन सारा चीज़ कर दिया गया है यहाँ पर। देखिएगा साथियों, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को यूपी समाज
यूपी समाज कल्याण विभाग की नई भर्ती इकाई हुई है, जिसमें आप लोग को डेली साथी और रोजाना 2000 रुपये देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप लोग के लिए कुछ सिलेक्टेड ये सब अगर क्लास देखिए, किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, मोदी 3.0, ये आप लोग का बेस्ट जो है साथियों क्लास है। तो ये सब क्लास आप लोग मिस मत करिए, आप लोगों के लिए साथियों बेस्ट साबित रहेगा। अभी करंट अफेयर के दौर पर जितने भी रिसेंटली एग्जाम होंगे उन सब में ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।